बन जाए। नारायण जी, आपको लगता है भाजपा में आंतरिक कला आपको फायदा दे सकती है? देखिए, भाजपा क्या करती है तो हमें पता नहीं, लेकिन भाजपा टूट के कगार पर है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा खत्म हो चुका है, मुट्ठी भर सेठों का आदमी बच गया। वो जब सांड घूमता है तो उसके आगे के जितने आदमी हैं वो भागते चले जाते हैं, तो वो हाल भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है कि भगदड़ मची हुई है उनमें। गरीवाल जी, लेकिन राजस्थान में कई टिकट बहुत खराब बांटे हैं कांग्रेस ने, गरीबाल ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है, जनता चाहती है और जनता 25 की 25 सीटें कांग्रेस को देगी। आज नामांकन भराए साइड में ले रहा, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या रहेगा अब आगे? आपने उपस्थिति देख ली और आम जनता का समर्थन, आम मतदाता का समर्थन कांग्रेस के साथ, बहुत बहुत खुशी हुई। हजारों हजारों की संख्या में मतदाता फॉर्म भरवाने आए। नारायण जी, आपको लगता है भाजपा में आंतरिक कला आपको फायदा दे सकती है? देखिए, भाजपा क्या करती है तो हमें पता नहीं, लेकिन भाजपा टूट के कगार पर है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा खत्म हो चुका है, मुट्ठी भर सेठों का आदमी बच गया। वो क्या क्या एजेंडे लेके आप? देखिए, एजेंडा साफ है कांग्रेस का। न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर गरीब को 6,000 से कम आमदनी है तो उसके रेशो में उसको पैसा दिया जाएगा, उसको अपलिफ्ट किया जाएगा, और करीब करीब 5,000 करोड़ व्यक्तियों को, 5 करोड़ व्यक्तियों को फायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी ने जो योजना दी है बहुत अच्छी योजना दी है। किसान तो यहाँ बदहाल है, 273 किसानों ने आत्महत्या की है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से आत्महत्या बंद हो जो बीजेपी के राज में हुई थी। नाराज लोग, नाराज जो आपके साथी थे वो भी आज साथ में आए? नहीं, कोई नाराज नहीं है। प्रेमी जी जो विधानसभा, अब वो चुनाव में देखो सिस्टम होता है, हर जगह का सिस्टम है। राकेश जी बोए, शैल प्रेमी जी और भी जो भी थे सब साथ हैं। इनके मन में कोई मनमुटाव नहीं है। सबका एक ध्येय और उद्देश्य है कि कांग्रेस जीते और हिंदुस्तान में कांग्रेस का शासन बने। Yeah.